पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम मुरादाबाद ने प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त करके सांत्वना पुरस्कार हासिल किया है। साथ ही महानगर के दो वार्डों का चयन स्वच्छता के लिए किया गया है। दोनों ही वार्डों के पार्षदों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का पुनर्गठन किया गया है। नगर विकास मंत्री का लाइव प्रसारण सुना गया। इस अवसर पर नगर निगम की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका नगर आयुक्त और महापौर ने जायजा लिया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री एपी शर्मा ने कहा कि समाज के लोगों का सहयोग लेकर चौराहों का सौंदर्यकरण करें। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे पर सब्जी मंडी लग जाती है, ठेले खोमचे लग जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में अवरोध होता है, जाम लगता है। उन सभी को व्यवस्थित करें और वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें व्यवस्थित करने का काम करें। इस अवसर पर नगर आयुक्त संजय चौहान ने कहा कि अभियान का शुभारंभ हुआ है। स्वच्छता अभियान को लेकर प्रदेश स्तर से एक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें मुरादाबाद नगर निगम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज स्वच्छता जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए जो स्वच्छता प्रोत्साहन समितियां कभी 2017 में गठित की गई थी, उनको आज पुनर्जीवित करने का एक विशेष शंखनाद हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी के करकमलों से, उनके सौजन्य से, उनके नेतृत्व में आरंभ हुआ है। मैं आपको इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूँगा। एक तो स्वच्छता अभियान को लेकर के प्रदेश स्तर से एक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें मुरादाबाद नगर निगम को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान वाराणसी, द्वितीय प्रयागराज और तृतीय लखनऊ को प्राप्त हुआ है। इसके बाद चौथा स्थान मुरादाबाद का है। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। आप लगातार देख रहे हैं कि वर्ष 2019 में मुरादाबाद स्वच्छता सर्वेक्षण में जहां 217वें स्थान पर था, आज हम प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंक में 6वें स्थान पर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा स्थान 96वां है। लगातार उत्तर मुरादाबाद की स्वच्छता व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। और आज नगर निगम की पूरी टीम, हमारे माननीय महापौर और माननीय जनप्रतिनिधियों, जिसमें डॉक्टर विशेष गुप्ता जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, इन सभी के मार्गदर्शन में मुरादाबाद नगर निगम की टीम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कटिबद्ध है। देखिए, ये पुरस्कार किसी एक अकेले का पुरस्कार नहीं है, इसमें व्यापक जन सहभागिता भी इसके लिए उत्तरदायी है। लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा, हमारी टीम ने जिस प्रकार परिश्रम किया और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई शहर के लिए, उन सभी का समेकित परिणाम है कि आज मुरादाबाद को एक अच्छी रेखा से मिली। वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हमारे मुरादाबाद शहर को प्रदेश में चौथा सांत्वना पुरस्कार मिला है, जो मुरादाबाद शहर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के दो वार्डों को स्वच्छता के लिए भी चयनित किया गया है। आज स्वच्छता जन जागृति अभियान और उसके साथ इसकी जो समिति है पर्यावरण की, उसका कार्यक्रम था, जिसको लखनऊ से माननीय नगर विकास मंत्री जी के द्वारा आज नेतृत्व किया गया, उद्घोषण हुआ। मेन बात जो आज इसके अंदर है कि हमारे मुरादाबाद शहर को प्रदेश में आज चौथा सांत्वना पुरस्कार मिला है, ये हमारे लिए गर्व की और हर्ष का विषय है। आज हमारे मुरादाबाद से दो वार्डों का भी चयन करके स्वच्छता के अंदर उनको पुरस्कृत किया गया है, जिसके लिए हमारे वार्ड नंबर 47 के सभासद पार्षद श्री गौरव श्रीवास्तव जी गए हुए हैं लखनऊ, और वार्ड 29 के राहुल देव वरुण इस पुरस्कार को लेने गए हुए हैं। उनके दोनों वार्डों को सम्मानित किया है और हमारे मुरादाबाद को प्रदेश में इसका चौथे नंबर पे सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए मैं नगर निगम के सारी टीम को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अपने सफाई वालों को सबका धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम इस लक्ष्य को जारी रखेंगे और मुरादाबाद को स्वच्छता में, पर्यावरण में और सभी चीज़ों में नंबर वन पे लेके आएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।